हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पर व्हाट न्यू सेक्शन में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTTCE की एक लिंक दी गई। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वैकेंसी को डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 13 अक्टूबर 2022 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी में क्या डिटेल्स दी गई हैं। फ्रेंड्स, वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं, यहाँ पर वैकेंसी नंबर 14/2022 है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है। पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एंड अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। एंड एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो सभी के लिए यहाँ पर 400 दी गई है, जबकि झारखंड के SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 50 rupees आपकी फ़ीस पे करनी है। व्यक्तियों के विवरण की अगर बात करें तो यहाँ पर PGT में बायोलॉजी के लिए 218 वैकेंसी है, 11 महिलाओं के लिए रिजर्व है। केमिस्ट्री में यहाँ पर 227 है, 11 फीमेल के लिए रिजर्व है। जियोग्राफी में यहाँ पर 164 है, 9 महिलाओं के लिए रिजर्व है। हिंदी में 163 है, 9 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिक्स में 167 है, 9 रिजर्व महिलाओं के लिए है। एंड हिस्ट्री में आपके 182 है, यहाँ पर भी 9 महिलाओं के लिए रिजर्व है। संस्कृत में 169 है, 9 फीमेल के लिए रिजर्व है यहाँ पर। एंड भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में 251 है, 12 महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व है। जबकि मैथ में यहाँ पर 185 है, 10 फीमेल के लिए है। एंड कॉमर्स में 200 है, 10 फीमेल के लिए है। इंग्लिश में 211 एंड 10 यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व है। जबकि जो कैंडिडेट पहले से ही PGT में है उनकी जो प्रमोशन में जो वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं तो यहाँ पर PGT यानी बायोलॉजी के लिए 73 महिलाओं के लिए है। केमिस्ट्री में 75 3 फीमेल के लिए है। जियोग्राफी में 54 एंड 2 फीमेल के लिए है। हिंदी में 54 2 यहाँ पर फीमेल के लिए है। इकोनॉमिक्स में 55 एंड 2 फीमेल के लिए है। 61 में यहाँ हिस्ट्री में है एंड 2 फीमेल के लिए है। संस्कृत में 58 एंड 2 फीमेल के लिए रिजर्व है। एंड फिजिक्स में 85 4 है, जबकि यहाँ मैथ में 63 एंड 2 फीमेल के लिए है। 67 यानी कॉमर्स में 67 2 फीमेल के लिए, इंग्लिश में 73 एंड 3 यहाँ पर फीमेल के लिए। तो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग से रेगुलर बेसिस पर फिल की जा रही है। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर संबंधित सब्जेक्ट में यानी जिस सब्जेक्ट के आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री यानी कि MA या MSc आपके पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ में। साथ ही आपके पास BEd भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास BA BEd है, MA MEd है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 21 से लेकर 40 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि OBC के लिए यहाँ पर 42 ईयर है। फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए OBC के लिए 43 ईयर है। SC/ST मेल फीमेल के लिए 45 ईयर है। ST के लिए यहाँ पर 45 ईयर्स एज दी गई है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके आप उसे 13 अक्टूबर तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।